गाइस हमने चाय बना लिया है, पकौड़ी की तैयारी है, तो सोच रहे हैं गोभी भी डाल के प्याज व्याज काट के बनाए क्योंकि अच्छा लगता है। तो हमने रेडी सब कर लिया है, बस खाइए तैयार कर लिया है। दो गोभी लाए थे तो एक गोभी सोच रहे हैं कि खिचड़ी बनाने के लिए शाम को रख दें, अब ये थोड़ा सा एक गोभी पकौड़ी बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अब खाना इसमें 11:30 बज रहा है, क्योंकि नाश्ता वास्ता करेंगे तो पेट सबका भर जाएगा अभी, क्योंकि अभी सब लोग दाना भूडा सब लड्डू वड्डू सब खाए हैं, अभी चाय पियेंगे। हमारी चाय भी बनी गया है क्योंकि ठंडी भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकला है। अब बताइए लग ही नहीं रहा कि खिचड़ी है आज। तो गाइस आप लोग को पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर कितने लोग जा रहे हैं कितने लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो बाद ही जाएंगे क्योंकि इतने सारे भीड़ रहेंगे, कोई कभी आशा है कि अंदर जा पाएंगे, अंदर इसलिए नहीं जा पाएंगे कि भैया पास बन रहा, पास तो किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो कितने लोग देखे उसमें दबा जाएंगे चपा जाएंगे, इतना सारे लोग जाएंगे, हम लोग तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बहुत लोग आएंगे बाप रे बाप। तो राम मंदिर बनने में किसको किसको खुशी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग कहाँ कहाँ से ये भी बताइए, आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, तो छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि राम मंदिर बना तो किसको किसको खुशी है, हमको तो बहुत खुशी दिया। क्योंकि एक बार गए थे तो अभी बन रहा था, तो पहले गए थे अरे हो गया साल दो साल हो गया, तो कम गए थे तो पहले ही बन रहा था, तो बाद में एक बार और गए थे तो बीच में बन रहा था, तो ये हुआ कि नहीं अभी नहीं पूरा जब बन जाएगा तब जाएंगे, इसके बाद कारण नहीं गए क्योंकि मंदिर तो बहुत दिन से बन ही रहा है। देखिए हमारा कटा गया, थोड़ा सा मिर्चा काटेंगे इस पर। तो गाइस हमने सब रेडी कर लिया है, इसको सान लेते हैं, तेल भी गर्म हो रहा है मेरा फटाक से। तेल भी गर्म हो गया है तो फटाक से पकौड़ी छान लेंगे, फिर उसके बाद चाय आराम से बैठ के पिएंगे।
खिचड़ी जाने के बाद कौन सा त्योहार आएगा पता नहीं।